नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल मोदी नगर चर्चा न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अजय सैन। जो लोग कहते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लड़कियों का बाहर जाना फिजूल है, आज की ये खबर हम उनके लिए लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ कावेरी योगी और आप देख रहे हैं मोदी नगर चर्चा न्यूज़। आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं मोदी नगर के सीकरी खुर्द गांव में। आपको बताएं, यहां की एक लड़की ने दूसरे देश जाकर अपने देश का परचम लहराया है। वो कबड्डी खेल में प्रथम स्थान प्राप्त कर यहाँ पर पहुँची है। आइए बात करते हैं उनसे कि इस समय की उनकी भावना क्या है और यहाँ तक पहुँचने में उनका क्या सफर रहा है। आइए जानते हैं, आइए पूछते हैं इनसे कैसी इनकी भावना है और इनके जीवन का अब तक का सफर कैसा रहा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम ज्योति सोनी है और मैं इस गांव की रहने वाली हूँ, सिकरी खुर्द की। और ज्योति जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो सबसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि आप की भावना क्या है इस चीज़ को लेकर, आप यहाँ तक पहुँची, कैसे आप महसूस कर रहे हैं आप? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि प्राउड भी फील हो रहा है कि मैंने अपने गांव के लिए मतलब इतनी कठिन मेहनत करके हम लोग वहाँ पहुँचे और फिर गोल्ड मेडल जीत के आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात, मैं भी यही चाहती हूँ कि जो चीज़ मैंने प्राप्त करी है इतनी मेहनत करके, मेरे से जो जूनियर बच्चे हैं जो मेरे चाह रहे हैं यहाँ पे करना सीखना, तो उन्हें थोड़ा सपोर्ट करें उनकी फैमिली, और सपोर्ट करके प्लीज़ उन्हें खेलने का मौका दें। और मतलब वहाँ से आप आए नेपाल से, तो आपके घर वालों के रिएक्शन क्या थे, आपके जो मित्र संबंधी थे उन सब के रिएक्शन देखकर आपको कैसा लगा? मुझे तो रोना ही आ रहा था, क्योंकि ये सब इतने खुश थे, बस मत पूछो, बहुत ज़्यादा खुश थे ये, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब आपको लगा कि आपको ये खेलना चाहिए और सिर्फ आपने ये ही फील्ड क्यों चुना? ये मैं स्कूल लेवल में खेलती थी तो फिर मैंने छोड़ दिया था, तो उसके बाद फिर मैंने कॉलेज लेवल में आई थी तो वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था ये मैच। मैम ने कहा था कि ज्योति एक बार आप करो, मुझे लगता है आप कर सकते हो, तो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। उसके बाद मैं मतलब कि मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी खेलने गई थी, वहाँ पे मेरा सेकंड रहा। यूनिवर्सिटी खेलने के बाद फिर मैंने सोच लिया कि इस फील्ड में जाना ही है, तो बस फिर मैंने स्टार्ट किया अपना गेम और फिर चलती चली गई, बढ़ती चली गई। आपके फिर जीवन में ऐसा कौन है जिससे आपको प्रेरणा मिलती है इसमें आगे बढ़ने के लिए? मेरे पापा। और तो आज की युवा जो है वो बहुत कम लोग चाहते हैं कि वो कबड्डी में ऐसा जाए, तो कबड्डी को लेकर आपके मन में ये ख्याल कैसे आया, उन तक पहुँचाइए ज़रा। कुछ लड़कियां ये सोचती हैं कि कबड्डी से चोट लग जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, और उनके माँ बाप तो चाहते ही नहीं कि लड़कियां ये गेम खेलें, क्योंकि उनसे लड़कियों का नुकसान होता है, हाथ पैर टूट जाएंगे, शादी नहीं हो पाएंगी, विकलांग हो जाएंगी। और लड़के भी यही चाहते हैं कि हमारे हर लड़का ये चाहता है कि लड़की अच्छी मिले, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कि लड़की इस फील्ड में ना जाए, लड़कियाँ इस फील्ड में जाएँ, ज़रूर जाएँ। आपने इंटरनेशनल स्तर पर खेला है, तो इसके बाद अब आप मतलब आगे का कदम आपका क्या होगा, कि कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं आप? अभी मुझे प्रो कबड्डी और खेलना है। अच्छा, और ये मतलब जो आज के युवा है उनको लेकर आपकी क्या अपील है, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे हमारे YouTube चैनल के द्वारा? देखो, मैं लड़कों से कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि लड़कों का मेरा नहीं पता लड़के करेंगे कि नहीं करेंगे। बस मेरे लड़कियों के लिए है कि आप लोग घर में रहने के लिए नहीं बनी हो, तो कृपया अपनी मेहनत करें, सपोर्ट तुम्हारे, और सबसे बड़ी चीज़ तो सपोर्ट फैमिली की होती है। अगर फैमिली सपोर्ट करेंगे तो लड़की कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। तो आपकी उम्र क्या थी जब आपने ये ठान लिया था कि आपको इसी फील्ड में आगे बढ़ना है? मेरी 19 समथिंग होगी। तो आपने देखा, जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं उस उम्र में इन्होंने ठान लिया कि उन्हें इसी फील्ड में आगे बढ़ना था। आइए अब ज्योति की माता जी से बात करते हैं और जानते हैं कैसी उनकी भावना है कि उनकी बेटी इतने उच्च स्तर पर पहुंच गई है। आइए। जब ज्योति ने शुरुआत की इस चीज की, तो आपने इसको कैसे सपोर्ट किया इतने आगे तक पहुँचाने के लिए? जी, हमें शुरू में तो पता नहीं था, तो जब इसने पहला मेडल जीत के लाई थी तब पता चला था। जब तब से फिर आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी, जब से हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आजकल के जो परिवार है, आजकल के पेरेंट्स है, वो अपने बच्चों को खासकर स्पोर्ट्स में वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए हम चाहेंगे कि हमारे चैनल के द्वारा आप उनसे अपील करें कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। हाँ जी, अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ जी, बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। तो देखा आपने किस तरीके से एक छोटे से गांव की लड़की इतने दूर पहुंचकर अपनी सफलता को प्राप्त करके लेकर आई है। तो बस आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हमारे साथ तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए और देखते रहिए मोदी नगर चर्चा न्यूज। इसी तरह जुड़े रहिए मोदी नगर चर्चा न्यूज के साथ और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।